नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं हमारा शो टैरेट मिस्टिक्स। हमेशा की तरह लेकर आए आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस आपके प्रॉब्लम्स के और आपके डाउट्स के आंसर्स। और इस वक्त क्योंकि सिचुएशन हमारी जो कोरोना की है वो चल रही है लगातार, तो इसमें पॉजिटिविटी ज़रूर बनाए रखें क्योंकि नेगेटिविटी से कोई हल मिलता नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, आपके डाउट्स के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं गीतिका महाजन, जम्मू की फेमस टैरेट कार्ड रीडर। वही बताएंगी हमें कि किस तरह से हमें राहत मिल सकती है, रिलीफ मिल सकता है सिचुएशन से भी, साथ ही साथ आपके सन साइंस के बारे में भी बताएंगी। नमस्कार गीतिका जी। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो मैम, शुरू करते हैं हमारा जो शो एक सवाल के साथ, वो ये है कि क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस भी है, नेगेटिव भी, इसमें पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखें? विलास टैरो कि वो कैसे बताते हैं, क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी। आई गॉट द मजिशियन कार्ड, इसका ये मतलब होता है, आई वुड जस्ट शो एवरीबडी कि अगर आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी हेल्थ के लिए, दैट वी विल बी फाइन। एंड अगर आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बिकॉज देर हैव बीन केसेज वेयर पीपल विद कोविड पॉजिटिव आर रोमिंग फ्रीली, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। डू नॉट ट्रैवल इन पब्लिक प्लेसेज एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड और आप अपने आप की को ठीक कीजिए। डोंट गो फॉर ग्रोसरीज, यू नो आजकल तो इतने नेबर्स भी हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट डोंट फील अशेम टू से आई हैव गॉट कोविड, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी गेट माई ग्रोसरीज एट द डोर स्टेप। सब लोग कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू बी, बिकॉज आजकल तो इतने फैल गए हैं कि एवरी लुक एंड कॉर्नर देयर इज अ कोविड पेशेंट, सो नाउ डेज दिस इज़ नॉट अ स्टिग्मा एनी मोर। एंड ये भी बताया गया है कि द वैक्सीनेशन वन मस्ट गो फॉर इट, बिकॉज इट इज़ अगेन, I am not anybody a scientist to tell you this कि it's a good thing or a bad thing. At least it's something. Because vaccination के बाद also you have to be take your SOPs, you have to take your precautions very very diligently. क्योंकि vaccination is not telling you कि corona नहीं होगा, होगा या हो सकता है, but ये है कि effects उसके कम होंगे. So do not go very, you know, oh I've got vaccinated, I don't need to take mask. मैंने I've seen a lot of people say that. Do not. Gloves important. Double masking important. In fact, we have also sanitized this table and this chair every time that we come here, and we are on a double mask and even our gloves. This is only for show, we have removed it out. But while you're traveling to and fro work, you have to take all the necessary precautions and just continue being responsible. Ki main, I am responsible that corona should not spread. Agar hum sab aise bolenge, to corona will not spread at all. तो मुझे लगता है कि जो मैम ने बताया है वो बिल्कुल सही है। हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी, जब हम खुद की लेंगे तो अपने घर वालों की भी ले पाएंगे, और ख़ुद का ख्याल रखना है, कैजुअल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे साइंस के साथ। आई एम एक्साइटेड, नाउ लेट्स सी एरीज का, दैट इज़ मेष राशि का, क्या आता है इस वीक, एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम। एरीज हैड स्टार्टेड सम वेंचर, थोड़ा नेगेटिविटी के साथ या कॉन्फिडेंस कम था, आप जा तो रहे थे कुछ काम करने के लिए, बट यू वर नॉट वेरी श्योर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बट ये जो काम है, दिस इज़ अ वेरी, इट्स अ ट्रांजिटरी टाइम फॉर यू, मतलब कि अगर आप इस मोड़ को पार कर लेंगे, ऑन द अदर साइड यू विल सी प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, एंड यू विल सी इवन अ बेटर लाइफ। यू विल बी लाइक, ये मैंने डिसीजन लेने में इतना टाइम भी क्यों लगाया, टू सच अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। इट्स लाइक वी नो, हम कहते हैं ना, अ नोन डेविल इज मच मोर बेटर देन एन अननोन प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी आउटसाइड। So go for the unknown prosperity outside. Agar if you want to get married, it is a very good time to get married. Marriage will go very well. If you want to have a baby, it's a very good time. Agar aap koi business shuru karna chahte ho, again it's a very good time. And agar aap koi health ailment se nikle ho, you will be absolutely recovered by right now or in the near future. So because you've taken your diligent actions, so all the best to you for this week. अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज़ ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए इट इज़ अ लिटिल टफ वीक, ओके। इसका ये मतलब है कि आपने कोई काम किया है पर उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला विच इज़ इक्विवेलेंट टू योर हार्ड वर्क, एंड यू आर वंडरिंग व्हाट्स टू बी डन। आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो, लोग आपके कोई भी प्लान्स मटीरियलाइज नहीं हो रहे, पोस्टपोन्ड हो रहे, लोग आपको ओपिनियंस दिए जा रहे, आप कन्फ्यूज होए जा रहे हो। This is the time, अगर if you're in a bad relationship, you need to walk out of the relationship, और आप डरोगे उधर निकलने के लिए। You'll think कि पता नहीं outside
कोई हंग्री बुल्स मुझे खा तो नहीं ले, बट नथिंग लाइक दैट. यू विल इनफैक्ट अट्रैक्ट मच बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. अगर ऐसा कोई काम है विच यू आर नॉट लाइकिंग, विच इज़ नॉट एज पर योर प्रिंसिपल्स और योर लाइकिंग, इट्स अ गुड टाइम टू वॉक आउट ऑफ दैट ऑल्सो एंड ट्राई टू बी लिटल एडवेंचरस. टेक द रिस्क बिकॉज आई एम गेटिंग दैट यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, कम्फर्टेबल मनी एंड अ वेरी हैप्पी एंड सिक्योर्ड होम लाइफ आफ्टर दिस. अगेन हेल्थ में माइग्रेन कुड बी एन इशू एंड यू मे फेस सम आई एलिमेंट्स, मे बी एन आई सर्जरी. So you just need to get yourself checked. Do not take this very lightly. अब हम देखेंगे जेमिनाइज, दैट इज मिथुन राशि. मिथुन राशि वालों के लिए आप अपने आप को बहुत डाउट कर रहे थे. देर वॉज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड लॉट ऑफ पीपल शोड यू कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, ये बहुत पोटेंशियल के साथ आई है, बट यू डाउटेड योर सेल्फ, यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क. बट समहाउ यू हैव बीन एबल टू बी कन्विंस टू टेक द रिस्क और आपने देखा है कि मैं जहाँ पर भी हार्डवर्क करता हूँ या करती हूँ मुझे इसका बेनिफिट मिलता है. एंड आई ऑलवेज फाइंड अ मेंटोर और समवन गाइडिंग मी एंड अ वेरी गुड पर्सन गाइडिंग मी ऑलवेज. This is also a very good time कि if you've got some strict guidance from a mentor, father figure or some senior, अगर आप उसको लेते हो guidance को seriously, you will be able to achieve the success that you want to. ये भी हो सकता है कि you may be in some legal suit or you have to get some work done from a doctor, lawyer, judge or even a police or government services. वो काम आपके favor में होगा. So just go ahead and do not delay anything. Just go ahead and finish all your pending work. Now we look at Cancerian, that is Kark Rashi. Kark Rashi वालों के लिए suddenly the environment was not supporting you. आप कोई काम करना चाहते थे और environment में could be COVID reasons or anything else की वजह से you were not able to start your work or your job or business, या उसको आधे रास्ते में छोड़ना पड़ा था. That doesn't matter at all. अगर आप focus करोगे to take guidance for that particular problem और आप वो सोल्यूशन बहुत ईजिली भी, मतलब कि आप वो उस गाइडेंस को फॉलो कर पाओगे और आपको सोल्यूशन भी बहुत ईजिली मिल भी जाएगा. यू विल सी दैट यू हैव बीन एबल टू बैलेंस योर लाइफ और इनफैक्ट आपका होम लाइफ एंड योर करियर हैव बिकम इवन मोर फ्रूटफुल एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल इन द सीट दैट यू आर सिटिंग ऑन. इनफैक्ट आपके नाम के वजह से लोग आपके पास आते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. इनफैक्ट आई वुड से दैट दिस सिचुएशन इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो आप अपने स्किल्स को ऑनर नहीं करते, स्किल्स को ऑनर नहीं करते तो वो प्रोग्रेस नहीं मिलता. सो ब्लेस एवरी सिचुएशन नो मैटर इट्स नेगेटिव और इट्स पॉजिटिव. तो चलिए मैम अब लियो देखते हैं. यस, हम देखते हैं लियो सिंह राशि. लियोज के लिए अगेन कोई अनफेवरेबल टाइम चल रहा था, कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था और इसी के बीच में यू गेट अ गुड जॉब ऑफर और अ प्रमोशन लेटर और यू गेट अ गेस फ्रॉम द बिजनेस स्कूल या कॉलेज दैट यू वॉन्ट टू गो इन टू एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी. यू हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड एंड देर कुड बी अ लेडी इंटरफियरिंग इन योर लाइफ, मे बी इन द मैरिड लाइफ ऑल्सो, हु इज़ अ लिटल कोल्ड, बट उनकी इंटरफियरेंस इज ओनली ओवर प्रोटेक्टिवनेस. सो इफ़ यू टेक इट एज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आप उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचो या उसकी वजह से बैकअप नहीं करो, बैक ऑफ नहीं करो, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. This is a golden chance to start any new business, new career zones that you want to. या अपने existing career में कुछ नया शुरू करना चाहते हो, नए clients add करना चाहते हो, नया business unit शुरू करना चाहते हो और you're even thinking of settling down or having a baby, it's a perfect time for you. So you must go ahead with it. यहाँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कृतिका जी कि अक्सर ऐसे हम सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसकी इंटरफेरेंस बहुत रहती है और वो हमें पसंद नहीं है और कई बार आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमें कुछ कह तो नहीं सकते लेकिन हमें वो इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है. हम कहते हैं क्यों इतना, मतलब मेरे मसलों में इतना वो इंटरफेयर कर रहा है या आउट ऑफ लाइक एज क्राइटेरिया हम नहीं बोल पाते, उसमें क्या कर रहे हैं क्योंकि अब सुनना भी है और उसको करना भी है. दिस तो आई थिंक हम सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है एंड ऑब्वियसली मेरे लाइफ में भी कोई हुआ होगा. इनफैक्ट कपल ऑफ देम हैव बीन देयर बट आई हैव डन टू टेक्निक्स जिससे ये एक्चुअली इट्स वर्कड आउट. इनफैक्ट मेरा उनके साथ रिलेशनशिप या तो वेरी इफेक्टिवली ख़त्म हो गया इन अ वेरी हम्बल वे या इट इम्प्रूव्ड, इट ट्रांसफॉर्म्ड. तो एक तो ये चीज़ होती है अगर देर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी इरिटेटिंग और वेरी इंटरफियरिंग इन एवरी थिंग, वॉट डू यू डू इन दैट सिचुएशन. बड़ा ईजी है बोलना के लिए कि जस्ट फॉलो द गाइडेंस, बट आई टेल यू वॉट टू डू. या तो इफ़ दैट पर्सन इज़ रियली इंपॉर्टेंट लाइक अ बॉस और अ फैमिली एल्डरली मेम्बर हु कैन नॉट बी माइनस्ड एट ऑल, तो आप उनके साथ यही कह सकते हो कि फोकस ऑन द गुड पॉइंट्स.
बिकॉज इफ यू फोकस ऑन देयर गुड पॉइंट्स दे टेंड टू फोकस ऑन योर गुड पॉइंट्स एंड दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू विद मी हम तो करते हैं बट कोई नहीं करता बिकॉज यू हैव कम टू द टैरो कार्ड रीडर सेइंग कंप्लेनिंग अबाउट द पर्सन. देन व्हेन आई गिव एन एडवाइस कि लुक एट द पॉजिटिविटी जैसे हम तो करते हैं पर ये नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट हैपन विदाउट मेडिटेशन. यू हैव टू बी इन मेडिटेशन. थिंक ऑफ द पर्सन फ्रंट ऑफ यू और उसकी गुड क्वालिटीज़ को अपने तरफ खींचो. जब आप अपने तरफ खींचोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली इन द रियल लाइफ दैट पर्सन हैज़ रिस्पॉन्डेड टू यू. वन टेक्निक इज दिस. द सेकेंड टेक्निक इज दैट यू कैन से दैट आई फॉरगिव. आई आस्क दैट पर्सन जो मुझे इरिटेट कर रहा है फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने पिछले जन्म में उनके साथ कुछ किया होगा. बिकॉज नथिंग कम्स फ्री टू अस. एनीबडीज बिहेवियर इज नॉट फ्री. इट इज़ आर अट्रैक्शन फ्रॉम पास्ट लाइफ और दिस लाइफ टाइम. एंड आई फॉरगिव द पर्सन फॉर वॉट एवर दे आर डूइंग टू मी इन दिस एग्जिस्टिंग टाइम एंड आई क्लोज माई कार्मिक अकाउंट विद देम. तो अगर आप ऐसे करोगे आई हैव सीन पर्सनली ऑल्सो रिलेशनशिप्स हैव एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड फॉर द बेटर. वंडरफुल एडवाइस. इजी टू डू. या ओके. सो नाउ वी लुक इन टू वर्गो दैट इज कन्या राशि. वर्गोज के लिए दिस इज़ द पीक टाइम. दिस इज़ एज इफ कि गॉड आपके सामने आके बोला कि प्लीज़ ले लो ये. एंड इस टाइम पे अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए देन आई डोंट थिंक सो दिस कैन बी एनीथिंग मोर अनफॉर्चुनेट देन दिस. तो ये काज आपको ये कह रहे हैं कि इफ़ यू आर अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एन एक्टर और यू आर इनटू म्यूजिक कंपोजिंग और यू वांट टू क्रिएट योर ओन कंपनी और अ बिजनेस या आप किसी कंपनी में अपना बिजनेस यूनिट चलाते हो परफेक्ट टाइम फॉर यू. यू विल एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. बट ये क्या ये हम क्यों इस सपोर्ट को नहीं आगे ले पाते बिकॉज वी आर डाउटिंग दैट कैन आई डू इट. द आंसर इज येस यू कैन डू इट. सो गो हेड विद इट. एंड इट इज ऑल्सो सेइंग कि इसी रीजन के वजह से यू प्रॉब्ली कैन बिकम द CFO, CEO और MD और यू कैन प्रॉब्ली बी द एंटरप्रेन्योर ऑफ योर ओन कंपनी. एंड वेन यू बिकम सक्सेसफुल डू नॉट फियर बींग सक्सेसफुल. कई लोग मैंने देखा शुरू से दैट वी बिकम सक्सेसफुल हमारे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा. इनफैक्ट मच मोर टाइम होगा वेन यू बिकम एट द पीक. दिस इज़ वॉट यू से दैट आई जब मैं पीक में जाऊँगा और अभी भी आई हैव इनफ टाइम फॉर माई करियर एंड फैमिली एंड आई एम 100% गिविंग गारंटी दैट यू विल बी एबल टू बैलेंस बोथ ऑफ देम आउट. अब हम देखते हैं लीब्रा दैट इज तुला राशि. लीब्रंस के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम. आपको कोई सक्सेस मिला है. यू गॉट प्रमोटेड और मैरिड और प्रेगनेंट और थिंग्स लाइक दैट. और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेटिंग टाइम है. While you're celebrating, do not get over carried away that you're always successful. Hard work तो आपको continue करना है. And इस time पर ये है that आप जिस company, department या जिस काम या किसी talent में आप successful हो गए हो उस talent को कुछ अलग से करने की कोशिश कीजिए. उसमें कुछ अलग flavor लाने की कोशिश कीजिए. Then only you will be able to grow. And the only thing that will not allow you to do this is your own doubt कि can I do it? Okay? अगेन दी टैरो इज सेइंग येस यू कैन डू इट. बट आपको इसके लिए सपोर्ट भी है फैमिली की गाइडेंस भी है पर चलना आपने है उस गाइडेंस के ऊपर. सो इफ़ यू डू दिस यू विल बी एंटरिंग इन टू अ न्यू जोन ऑफ लाइफ विच विल से कि दिस इज हेवन ऑन अर्थ फॉर यू. सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी एबल टू क्रैक दिस आउट. नाउ वी लुक एट स्कॉर्पियन दैट इज ऋषभ राशि. ऋषभ राशि वालों के लिए मे बी देर इज एन अपॉर्चुनिटी कि बाहर से कोई काम आपके पास आए एंड यू अर्न मनी फॉर इट और मे बी यू गो आउटसाइड फॉर सम वर्क एंड यू अर्न मनी एंड आप में वो बहुत एंथ्यूजियाजम है टू लर्न एंड टू अचीव समथिंग. एंड इफ यू कंटिन्यू विद दिस एंथ्यूजियाजम यू कैन एक्चुअली बिकम द किंग ऑफ द कंपनी और द बिजनेस दैट यू आर इन टू राइट नाउ. अगेन किसी बुरे टाइम के टाइम पर या जब एन एवरीथिंग इज गोइंग नेगेटिव कुछ सडनली कुछ सम गुड न्यूज़ विल कम टू यू. So take the benefit of that and it is saying it's a good time to get married again to get married and to have a baby or to start a new venture. So make the best of this time for you. Ab hum dekhenge Sagittarian that is Dhanu Rashi. धनु राशि वालों के लिए यू गॉट एवरीथिंग विथ यू. यू गॉट अ वेरी सक्सेसफुल फैमिली. यू गॉट सक्सेस एट वर्क. योर किड्स आर डूइंग वेरी वेल. Again, because you have everything, you are being ziddi that you are not appreciating things. The only thing you have to do this is that you have to appreciate things because you've got the star moment that whatever you want will actually start coming true in your life. So, give blessings. Gitika ji, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे point होते हैं life में जहाँ पे सब कुछ है
पर अप्रिशिएट नहीं करते हम लोग, और हम कहते हैं कि अभी भी कम है, अभी भी कम है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब निटपिट्स में हम जाके ना उस चीज़ों को निकालते हैं उस बिहेवियर से। कई बार हम तंग भी आ जाते हैं पर छोड़ नहीं पाते वो बिहेवियर। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं, अगेन नेगेटिविटी स्ट्राइक करती है एंड फिर वो कट डाउन हो जाता है। आई थिंक श्रुति, टाइम एंड द वर्ल्ड ना विद टीचर्स यू, इट्स अ गुड टीचर। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अप्रिशिएट, आप उनको बोलो भी तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज ये दिल से आनी चाहिए। टिल दे डोंट कम इन टू अ सिचुएशन वेर दे हैव टू अप्रिशिएट, दे विल नॉट बी एबल टू चेंज। सो डोंट नॉट वरी अबाउट इट। देर आर मेनी पीपल, सबकी अपने अपने कार्मिक स्टेजेस होती है, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। देर इज़ नोबडी ऑन अर्थ हु इज़ गोइंग टू गो विदाउट अप्रिशिएटिंग, बिकॉज एंड में सब लोग अप्रिशिएट करके ही जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट टाइम विल हील एंड टाइम टेल्स टू अस। ओके, नाउ वी लुक एट कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यू हैव मेनी आइडियाज, सो द टैरो सजेस्टिंग टेक वन आइडिया एंड मेक इट हैपन। बिकॉज अगर आप उस जोश और एंथ्यूजियाज्म से चलोगे कि सामने मुझे ऑब्स्टिकल नहीं अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, यू विल बी एबल टू मेक सक्सेस आउट ऑफ इट। एंड ऑल्सो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे प्राइवेट, पब्लिक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आप हायरार्की से चलोगे देन यू विल गेट सक्सेस। एंड जब आपको सक्सेस मिलेगा देन यू कैन मेक चेंजेस इन दैट हायरार्की। So for making changes in the hierarchy, first you have to follow the changes and then you have to follow the hierarchy, then make changes. Again, if you, if for the health aspects, agar aap traditional methods ko use karo, like for example, sardi khasi hua, to you take steam and you gargle and you take haldi ka pani and all of these, agar aap traditional methods pe jayenge, so they will in the long run affect our health in the most prosperous way. तो नेक्स्ट साइन की बात करते हैं। हाँ जी, अभी हम देखेंगे अक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। अक्वेरियंस के लिए यू आर गेटिंग सम जॉब ऑफर फ्रॉम आउटसाइड, मे बी यू गेट अ चांस टू गो टू सम अदर सिटी एंड स्टडी और वर्क और डू समथिंग। देर इज फैमिली बेनिफिट इज देयर, हार्मनी इज देयर, देर इज सक्सेस ऑल्सो कमिंग अप, बट फॉर सम रीजन यू आर हार्ट ब्रोकन, बट यू डोंट नीड टू बी। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ क्वीन और एज अ अबंडेंट बींग। जब आप ऐसे अपने बारे में सोचोगे तो यू विल फाइंड सक्सेस एवरीवेयर। अभी हम देखते हैं पाइसेंस, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए ये जो टैरो एडवाइस है दैट यू हैव वन द बैटल। आपने कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई की थी एंड यू वन इट, बट इट इज़ लाइक द किंग अशोका कार्ड की आफ्टर विनिंग ऑल्सो यू नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज इन द प्रोसीजर यू लॉस्ट पीपल एंड रिलेशनशिप्स। और आप पीछे देख रहे हो कि लोगों ने क्यों धोखा आपको दिया है, बट दे हैव नॉट गिवन, मतलब कि आपको धोखा नहीं दिया है, दे हैड टू लीव यू बिकॉज यू गेव देम नो अपॉर्चुनिटी अदरवाइज। दिस इज ऑल्सो सेइंग कि अगर आप अपने कस्टम्स एंड कल्चर्स को थोड़ा सा फॉलो करें, गो विद द यू नो द इनिशियल स्टेजेस वे वी से दैट यू नो रिलेशनशिप्स को कायम रखो एंड बाकी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सेटल इन हो जाती है। एंड इफ़ यू आर ग्राउंडेड टू योर रूट्स then you'll see success and progress in every area of your life. And also इस time पर आप जो भी universe को बात बोलोगे या आप जो भी सोचोगे, आपकी consciousness universe की consciousness से match करेगी, and this is like the law of attraction की बोला और हो गया, you ask and you receive. तो this is the moment for you, so ask and be careful of what you're asking and you'll be able to receive the success. तो चलिए बारी है guidance for the week की, जानते हैं कि हमारे आने वाले हफ्ते के लिए क्या रहेगा। सो गाइडेंस ऑफ द वीक इज दैट आपको यू नीड टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन योर लाइफ, टेक द रिस्क, बट डू नॉट ट्रस्ट पीपल वेरी इजिली। यू नीड टू टेक एवरीथिंग इन ब्लू प्रिंट एंड फाइन प्रिंट बिफोर यू गो अहेड। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गेट इन टू पार्टनरशिप और यू नो गेट इन टू अ रिलेशनशिप। ऑल्सो ये जो हमारे इस वीक में ना कुछ टावर मोमेंट्स आए हैं हमारे सारे स्टार कार्ड्स के लिए, दिस इज़ द टाइम की जो बिलीव्स हमने पकड़ के रखे विच इज़ नॉट यूजफुल, इट इज़ लाइक यू नो दैट जंक इन द हाउस जो हम रखते हैं बट इट्स नॉट यूजफुल, वो सडनली निकल जाएगा। सो जो भी मोमेंट आपके लाइफ में आए, जस्ट अ टावर मोमेंट मीन्स अ क्रैशिंग मोमेंट फॉर समथिंग न्यू टू कम अप। सो इट्स गिविंग प्लेस फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। सो एवरी सिचुएशन को गिव इट अ ब्लेसिंग एंड से इसके वजह से मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। कोविड होगा तो इसकी वजह से आई विल बी मच मोर हेल्थी। जॉब लॉस है, इसकी वजह से आई विल बी माई ओन एंटरप्रेन्योर। और एनीथिंग दैट हैपन्स, हेल्थ और एनीथिंग यू से बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी मोर सक्सेसफुल। एंड आप खुद देखोगे कि वो सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड होती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो गाइडेंस फॉर द वीक है उससे अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मिले होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे और आने वाले दिनों के लिए कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। और मैसेज का जो कंक्लूजन है वो यही है कि पॉजिटिविटी के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।